गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हुआ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपको मिल गया ना होमवर्क? क्या? हाँ होमवर्क तुम्हारा मिल गया होमवर्क। बाकी लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है सर, आपने ही नहीं बोला था। कौन सा होमवर्क? देखो मुंह पे बोल रहे हैं, कौन सा होमवर्क सर कर दिया। मैं बोल रहा ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है बाकी लोगों को। और तो इस क्लास के लिए तक कोई पीयूष तो कुछ मत बोलिस ना, तेरी भलाई है अभी। आप डाउट सॉल्व करवा रहे हैं? आप एक मिनट डाउट कर सकते हो? डाउट सॉल्व करवा दो ना, बताओ सर। हाँ एक मिनट, आप ऊपर कर सकते हो थोड़ा? वो अभी लिखा पे? वो VN वाला कुछ आपने लिखा था शायद। ये तो वो पुराना, ये कल वाला है। तो ये तो कल वाला है। ठीक है ठीक। चलो बताओ डाउट। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। हाँ सर, सेकंड वाले में ऑप्शन गलत आ रहा है। सेकंड वाले में गलत आ रहा है? सेकंड वाला क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ द मास एम इज द ड्रिवन बाय द मशीन दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर के। वो तो हो गया। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। यार इसको मेरे को इधर तक। कर लिए वो ध्यान नहीं रहता मेरे को। 23 मैं बोलूं या कैसे? क्या क्वेश्चन नंबर 23? इसको पहले 2 बता देना पीयूष। हाँ सर। 2 में तो क्या है, पावर आपको कांस्टेंट दे रखी है सर। पावर होती है फिर आंसर रूट एम के बाय टी नहीं दिया है। तो इसको ए को क्या लिख देगा? ए को डीबी बाय डीटी। हाँ फिर डीटी उस साइड, एम भी उस साइड। तो ये वी डीबी और के बाय एम डीटी दोनों साइड इंटीग्रेशन है ना। वी स्क्वायर टू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला हुआ है तो 0 से वी और 0 से टी। तो वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम टी के एम टी। तो v कितना हो जाएगा? k √2 k। सीधा सीधा f into v नहीं कर सकते? ये क्यों किया? सीधा सीधा कैसे करेगा? कांस्टेंट दिया है ना। क्या तो पावर तो v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तेरे एक्सेलरेशन थोड़ी ना कांस्टेंट है बेटा, तूने v को कांस्टेंट मान लिया ना फिर। हां तो v कांस्टेंट नहीं है ना यहां पे, v चेंज होएगा ना टाइम के साथ। हाँ ये बेटा इंस्टेंटेनियस पावर होती है ना वैसे भी F into V। हो गया सर। इसके बाद कौन सा? 13। एक मिनट सर, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है एन 8 केजी मेटल ब्लॉक ऑफ द डायमेंशन। अरे इसमें तो क्या डाउट होना चाहिए? इसमें सेंटर ऑफ मास से लेंगे ना। हाँ सेंटर ऑफ मास से लेनी होती है। ठीक है इसके बाद बताएं सर। क्वेश्चन 13 7 सर 10 13 सर 7 नहीं हो रहा है। 7
सेवन में क्या दिया हुआ है? अ पार्टिकल ऑफ द मास, मेरे पास एक तो प्रिंट आउट नहीं है इसके, मेरे चक्कर पड़ता है, हमारे पास भी नहीं। तुम कैसे देखते हो पीडीएफ? आज ही स्क्रीन पे पीडीएफ निकाल के रखते हो सर? दूसरा डिवाइस में सर, फोन में। हम तो नोटबुक में सॉल्व करते हैं ना, मैं फोन और दूसरे नोटबुक में सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेवन में दे रखा है पार्टिकल ऑफ द मास एम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस आर सच दैट इट्स सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एज इज AC is varying with the time t, where k is the constant. The power delivered to the particle by the force acting on it. AC आपको दिया हुआ है, पहले power delivered पूछा हुआ है ना? Seventh number है ना ये? AC equal to दिया हुआ है k square r into t square. और power delivered पूछा हुआ है, तो इसे v square by r लिख लें अपन। हाँ तो v की value के तो यहाँ से v की वैल्यू पता लग जाएगी अपने को। करेक्ट। और पावर डिलीवर क्या होता है? पावर डिलीवर होता है फोर्स इनटू f डॉट वेलोसिटी। समझ आ रही है मतलब बात? हाँ आप ये कैसे लिख रहे हो? क्या वो आधा लिख नहीं रहे हो आप? लिख रहे हो अगर लिख रहे हो? नहीं मैं लिख ही नहीं। हाँ अरे मैं लिख ही नहीं था। ओ इसको v स्क्वायर बाय r, r यहाँ पे रेडियस है ना छोटा r, तो छोटा r ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब v equal to kRT हो जाएगा। ये तो गया हमारे पास tangential acceleration। हाँ उससे force मिल जाएगा। हाँ power delivered के लिए अब अपने पास यहाँ से हमें m into a से निकाल सकते हैं, f equal to m into a net use कर सकते हैं ना। पहले t वाला टेंजेंशियल at निकालना पड़ेगा। at इक्वल टू क्या हो जाएगा? dv by dt kr हो जाएगा। at कितना हो जाएगा? kr। और दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? a net। हां a net मतलब ये हो जाएगा 1 plus t square into kr, यही होगा। तो फोर्स निकालने के लिए mkr root over of 1 plus tr, 1 plus t square। ऐसा नहीं आ रहा क्या आंसर? मैंने पावर आंसर में तो उन्होंने एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी सर वो हाँ वेलोसिटी से मल्टीप्लाई भी करना है और पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सर इसमें मैं वो ए को के स्क्वायर ए वही वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन सर वही ए नेट कंसीडर करेंगे कि फिर तो फिर बाद में ऐसे डिफरेंशिएशन करके करना। अच्छा अच्छा रुको 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 रुको। टेंजेंशियली तो पावर जनरेट कर सकता है, सेंट्रीपेटल तो पावर जनरेट ही नहीं कर सकता, उसका वर्क डन तो जीरो आता है। देखो ये तो सिर्फ टेंजेंशियल काम आएगा। ए नेट का आप ए टी कर दो सीधा, तो एफ इक्वल टू एम into at kr so mkr mkr abhi isko velocity multiply karna hai fv se velocity rt se kar do to mk square r square t mkr into kr se ho jayega to ye ho jayega theek hai iske baad bataye krt ho gaya to aa gaya ha sir ab sahi gaya krt kahan se reh gaya अच्छा velocity ha सर थोड़ा इसमें जूम आउट करो ना, ये मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है? एम फोर्स वेलोसिटी केआर नहीं नहीं गलत। हाँ सही लिखा है वेलोसिटी तो केआर टी आई है। देखो ऊपर सर ये क्यों आधी स्क्रीन है? अरे आधी स्क्रीन पे मैंने भी वो निकल स्क्रीन में। अरे मेरे पास भी प्रिंट आउट नहीं है ना जो एक साइड क्वेश्चन खोल रखे ना। अच्छा हाँ सर आप कर सकते हो स्क्रीनशॉट के जैसे टैब कर ले ना। नहीं क्यों कर दो तुम? क्वेश्चन तो तुम्हारे पास होने चाहिए ना, क्यों कर दो तुम्हें? है 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 सर
है तो फिर अच्छी बात है, ये लो। हाँ चलो ये अच्छा दिख रहा है। वाह सर, एट वाला। हाँ इसके बाद बताओ। एट वाला, एट एट वाला आपने करवाया, ऐसा लग रहा है पर पता नहीं आ क्यों नहीं रहा मुझे। अरे इसमें इसमें क्या, इसने बोला हुआ है कि छोटा वाला जो ब्लॉक है वो विद रेस्पेक्ट टू वेज जो है वो कहाँ बोला हुआ है, ब्लॉक ऑफ एम इज स्टेशनरी, स्टेशनरी बोला हुआ है ना विद रेस्पेक्ट टू वेज, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सुडो लगा के, सुडो फोर्स लगा के क्या बना दो, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो इस एम का, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन है ना, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, इसमें इधर ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, वो नीचे वाला भी थीटा है तो ये हो जाएगा एफ एफ कॉस थीटा, थीटा ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अगर ये स्टेशनरी है तो फ्रिक्शन फोर्स जो होना चाहिए वो एम जी कॉस थीटा होना चाहिए, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा हाँ होना चाहिए ना। हाँ सर समझ रही बात ये। और वर्कडन निकालने के लिए अब ये देखो ये वर्कडन निकालना हमें, तो किसका वर्कडन निकालना है, फ्रिक्शन का वर्कडन निकालना है, किसका वर्कडन निकालना है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वर्कडन। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम विद रेस्पेक्ट टू वेज नहीं बनाया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बनाया, ध्यान रखना अभी क्योंकि मैं इसको आगे चला रहा हूँ, ये चल रहा है बी से, मान लो टाइम टी के बाद ये वाला वेज कितना चल जाएगा, ये हो जाएगा वी टी टाइम टी के बाद, और हमारा जो ब्लॉक है वो चलेगा ऐसे, छोटा वाला ब्लॉक, ये एंगल थीटा है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये बताओ, वी टी बीटी कॉस थीटा। हाँ सर हो जाएगी कि ना। हाँ वो कॉस थीटा ठीक है। वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन या वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन, नेगेटिव में आएगा आंसर तो। हाँ सर माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो एक्स कितना है वीटी कॉस थीटा और एफ कितना है एम जी साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बी ऑप्शन आ जाएगा ना, आंसर आ जाएगा। सर आप पीडीएफ में लिख दो आपको इजी पड़ेगा। हेलो अरे उसमें पेन वो मार्कर सही से नहीं चलता यार, लिखो उसमें क्वेश्चन नंबर 14 वो एनटीए के एडिट नहीं हो रही है पीडीएफ एडिट नहीं हो रही, मतलब कुछ कर तो रही, टेक्स्ट के साथ कुछ नहीं कर सकते सर। आप माइक्रोसॉफ्ट एज है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट एज हाँ, उसमें पीडीएफ फॉर्मेट उधर इजीली एडिट होता है। नहीं एडिट करने का तो मेरे पास सॉफ्टवेयर है, इसमें पॉक्सिट से हो जाती है, मेरे पॉक्सिट से एडिट तो हो जाती है, देखते हैं इस पे लिख के देख लेते हैं, अगर चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो जैसे आराम। बताओ इसके बाद 13 में क्या दिया भाई देखो, बीड ऑफ द मास एम कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन अ फिक्स्ड सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रिंग ऑफ द रेडियस 3R हैविंग अ सेंटर एट द सी, द बीड इज अटैच्ड टू वन ऑफ द एंड ऑफ द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, नेचुरल length of the spring is R and the other end of the spring is fixed at point O. As shown in the figure, if the bead is released from position A, then the kinetic energy of the bead when it reaches the point B. Point B पे जब वो पहुंचेगी तो kinetic energy पता करनी, तो conservation of energy से ही होगा ये तो।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी भाई। अभी देखो स्प्रिंग का स्ट्रेच कितना है, अभी कितनी स्ट्रेच है स्प्रिंग, स्प्रिंग की ओरिजिनल कितनी आर, ओरिजिनल कितनी है आर, अभी ये यहाँ से यहाँ तक टोटल फोर आर है और ये रेडियस कितनी है आर के बराबर, तो ये कितना हाँ थ्री आर है रेडियस, अच्छा थ्री आर है तो ये फाइव आर है। और स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ नेचुरल लेंथ कितनी बोली उसने आर, तो इलॉन्गेशन कितना है फोर आर, फोर आर, फोर आर, मतलब अभी स्प्रिंग में एनर्जी है एट, है ना इतनी एनर्जी है ना स्प्रिंग में अभी, ये बी पे आ जाए तो बी पे आ जाए एनर्जी जीरो हो जाए। स्प्रिंग हमारा नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ हाँ ठीक है, तो एनर्जी जीरो हो जाएगी फाइनल, स्प्रिंग की एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। अच्छा यू के इनिशियल जीरो है, रिलीज किया गया और पता करना है बस, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा के नहीं आ रहा हाँ मतलब वही होगी ना एट के आर स्क्वायर बस। इसके बाद होता है 14 पावर ऑफ द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ द मास 1 केजी रिंग इन अ स्ट्रेट लाइन डिपेंड्स ऑन द डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी इज पी इक्वल टू वी स्क्वायर वेयर वी If the initial velocity is that, then the displacement of the particle in ln 2 second will be. ln 2 second में displacement पूछा है तुमसे इसका ना? तो पहले power दे रखी है, power को f की value भी और थोड़ा सा बड़ा होगा ये, है ना नीचे तक चल जाएगा ध्यान रखना ये। power equal to होता है f into v और p की value क्या दे रखी है v square. V से V कट हो जाएगा तो F इक्वल टू क्या मिल जाएगा सर, मतलब ये तो वेरिएबल है ना, इनटू V मिल जाएगा। हाँ ठीक है, अब अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले इससे एक्सेलेरेशन निकाल लिया जाए तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाई M, M कितना है 1 तो ये A V के बराबर आ जाएगा A V के। हाँ अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो A को लिख लो V dV बाई dx, ये v से v चला जाएगा है ना, dv इक्वल्स टू dx दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो dv इक्वल टू dx हो जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। अब कहां से कहां तक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 1 तो ये 1 से लेके v तक, v 0 से नहीं 0 से लेके x तक हमें टाइम दिया हुआ है यहां, तो ये तो x में मिला है ना, हमें पहले इसका वो निकालना डीवी को वापस नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ बेटा इसको पहले वी को वी निकाल लें एक बार, वी इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स, नहीं वी यहाँ पे माइनस वन होगा ना, वी माइनस वन इक्वल टू एक्स, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स प्लस वन, वन प्लस एक्स। अब वी को डी एक्स बाई डी टी लिखो, v को dx by dt लिखो तो x plus 1 इधर मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा dx divided by x plus 1 का integration into dt, ये 0 से time कितना है ln 2, ln 2 time time और ये 0 से x, अब dx upon x plus 1 का integration क्या होता है ln ln x plus 1, ln x plus 1 क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है। क्या हुआ सर, 2x प्लस 1 होता तो क्या इंटीग्रेशन होता, 2x प्लस 1 होता तो 1 बाई 2 ln 2x प्लस 1। वैसे तो देखो बात पूछनी नहीं चाहिए थी बट पूछ ली इसलिए बता दिए मैंने, इधर क्या बचेगा
ln 2 इधर क्या हो जाएगा, ln x प्लस वन डिवाइडेड बाई वन, ln 1 जीरो होता है ना, डिवाइड क्यों किया, अरे वो लिमिट पुट करोगे तो बनेगा ना, पर वो जीरो हो जाता है ना, ln 1 जीरो होता है ना, हाँ ठीक है, ln 2 ln चला जाएगा, x प्लस वन इज इक्वल टू टू, x की वैल्यू 1 आएगी डायरेक्ट, x की वैल्यू 1 आ रही है ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैच कर रहा है सी वाला, सर हाँ सर सर एक मिनट रखो, एक सेकंड नोट कर रहा हूँ, ये ट्राई तो किया फिर पता नहीं आंसर मैच नहीं हुआ, अभी तो बीच में ऐसा आएगा कि सब चारों के चार करवाना जो होते हैं, हम आप करवाते हो क्लास में तो ऐसे होने लगता है कि आता है, घर पे करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ऐसा क्वेश्चन भी तो किया है पर नहीं किया क्या, नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 19, कालीन भैया का गाना लिखता कालीन भैया, log of mass 0.1 kg is released from height 4 meter curved smooth surface on horizontal surface path AB is smooth, we see the coefficient 0.1. The impact of the block with the vertical wall at the C is perfectly elastic. मतलब एनर्जी लॉस नहीं होगा, टकरा के सेम स्पीड से वापस आएगा, the total distance covered by the block on the horizontal surface before coming to rest will be, ठीक है, मतलब ये सी तक तो जा ही रहा है डेफिनेटली, है ना, हां सर, सी तक डेफिनेटली डिस्टेंस कवर्ड पूछा है भाई साहब इसने, है ना, हां सर उसने, the total distance covered by the block on the horizontal. ए से ही चालू होगा, वही मैं सोचा था, मैंने कहा अगर ये डिस्टेंस निकालना ही पड़ जाए तो ये तो बहुत टफ हो जाएगा, ए से ही पूछा है ना, हॉराइजोंटल ए से माना है उसने, आंसर हॉराइजोंटल, ए से, ठीक है, तो अब क्या करें, पर इसे बहुत सारी बार टकराएगा ये, है ना सर, पर एक बार टकरा के वापस आएगा, फिर वापस क्यों जाएगा, वापस क्यों जाएगा, क्योंकि ये ऊपर नहीं चल पाएगा, अरे वापस थोड़ा ऊपर जाके वापस आ जाएगा, थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस आ जाएगा, फिर टकराएगा, फिर जाएगा, फिर आ जाएगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा, लास्ट में जीरो नहीं होगी उसकी, अच्छा पता कैसे चलेगा कि कोई बार टकराएगा, वही देख रहे हैं ना, करते ना, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ, देख करो और क्या है, सोचो कैसे कर सकते हैं, अब उसने क्वेश्चन बना के दिया है, अपना काम है सोचना, हाँ बोल सर, ये हाँ तो सर ये बी से सी तक 2 meter है, और हाँ तो ये और ए पे उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बी से वेलोसिटी मिल जाएगी, और हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, सेम ही आएगी ना, हाँ हाँ हाँ, तो फिर ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम बी टू सी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बी से सी तक की एनर्जी लॉस होगी और कहीं नहीं, देखो इसके कहने का मतलब है कि बी पे आप सर स्पीड निकाल लो और स्पीड से काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, हाँ सर बी पे स्पीड 4/5 आएगी,
ये जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी फ्रिक्शन के वर्क डन में, तो आप पहले फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल लो। मान लो ये फ्रिक्शन का वर्क डन आता है x, तो एक बार जाने में x लॉस होता है तो दूसरी बार आने में फिर x लॉस हो जाएगा। तो जितनी ये एनर्जी है, बाकी यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, यहाँ पे स्मूथ है एकदम, यहाँ पे कोई लॉस नहीं है। लॉस कहाँ पे होना है? बीसी पे, बीसी है ना, बीसी पे लॉस होना है। अगर वो बी पे एक बार पहुंच जाए, टकराने के बाद बी पे पहुंच जाएगा तो डेफिनेटली ए पे भी जाएगा क्योंकि ये स्मूथ है। समझ रही बात ये? मतलब अगर वो एक जैसे यहाँ से जाने के बाद वापस आ रहा है तो वो ए तक भी वापस आ रहा है, ये बात माननी पड़ेगी, है ना। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? x बाय 10। 0.1 मास कितना है इसका? 0.1 इंटू जी 10 इंटू एच फोर्स, तो 0.1 आ रहा है ये तो। हाँ सर, सर जी काइनेटिक एनर्जी मतलब वी स्क्वायर 8 ही आएगा। क्या हुआ? जो वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के लिए। हाँ, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल, हमें तो वी निकालना है ना, हाफ एम वी नहीं एनर्जी निकालनी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम जी एच, चार आएगा तो इधर। तो ये एम कितना है? 0.1 एच जी, एच कितना है? 4, ये 10 है, डायरेक्ट निकाल, ये 4 आ गई, 4 जूल आ जाएगा। अब ये 4 जूल इसमें खत्म होएगा तो 4 जूल में इसका डिवाइड कर लो, 40। ये कितना हो जाएगा? 40 है ना। हाँ सर। हाँ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 40 सर, वो ये इंटू टू भी करेंगे ना। हाँ इंटू टू करेंगे, रुको एक चीज और होगी ना। हाँ पीछे पे आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, ये जब जाएगा जाके वापस आएगा इंटू टू, फिर ये जाएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। अब मान लो कि इसकी एनर्जी बी पे आके जीरो हो गई तो फिर ये ए तक नहीं जाएगा, तो माइनस वन। सर बी और सी के बीच में भी जीरो हो सकती है ना? बी और सी के बीच में भी जीरो तो हो सकती है डेफिनेटली। ये इंटीजर नंबर आ गया ना। हाँ मतलब चक्कर तो पूरे लग रहे हैं, बीच में जीरो नहीं हुई है ना। इस थोड़ी आएगा अभी, क्या अभी तो 20 आएगा ना, अभी टू करेंगे डिवाइड बाय 2 होगा। ये एक साइड का माना है ना बेटा अपन ने, ये क्या माना है? खाली अन्य का एक साइड का चलना पड़ेगा, ये एक साइड का माना है ना। हाँ तो इंटू टू करना पड़ेगा ना, तो दो बार नहीं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाए सर। वो 2 मीटर है तो बीसी, हाँ बीसी 2 मीटर है। हाँ तो वो और रिटर्न करेंगे तो ये पॉटे जो आया है वो टोटल डिस्टेंस वो फ्रिक्शन वाले पाथ पे इतना कवर करेगी सर। वो न्यू एमजीएस है ना, सिर्फ न्यू एमजी थोड़ी ना है, न्यू एमजीएस है वो। इसका आधा करेंगे, 40 का आधा करेंगे भाई, वही तो बोल रहा हूँ। 40 का आधा करेंगे, डबल नहीं करेंगे इसका। तो हमने वर्क डन किया वो, उसमें हमने खाली न्यू एमजी गिना है, न्यू एमजीएस गिनेंगे ना। अरे कौन सा न्यू एमजीएच हो गया तेरे? जो वर्क डन में फ्रिक्शन फोर्स में x लिया है वो हमने 0.1 × 0.1 × 10 वो न्यू एमजी किया। अभी s भी तो है ना, न्यू एमजीएस होता है ना वर्क डन। तो इसको कहाँ तकलीफ आ गई है भाई? अरे बाकी तो सब सही है। वो बोल रहा है वर्क डन 0.1 नहीं 0.2 आएगा। अच्छा, समझ आ गई। ये 0.2 आएगा, ये 4 जूल है, ये 0.2 तो ये कितना आएगा? 20 आएगा। विश अरे 4/0.2 है क्या? वही समझ नहीं है ना, ये 20 आ जाएगा। चक्कर है, तो 20 चक्कर कंप्लीट होंगे, मतलब 20 इंटू बीसी प्लस
बीसी पे जीरो हो गई तो एबी लास्ट वाला नहीं है ना। हाँ, लास्ट वाला एक नहीं गिना जाएगा ना, एक कम है। बस तो इससे निकल काट है रुकेगा, मतलब बी से स्टार्ट किया तो बी पे रुकेगा। ठीक है, हाँ बी से स्टार्ट किया तो बी पे वापस रुकेगा ना। 40+19 क्वेश्चन अच्छा ही है। अरे आप समझा सकते हो एक बार, क्या समझना है बाजार? ये 4/0.2 क्या है? अरे 4/ देख, तेरे से ऐसे बोला गया कि तेरे पास 100 रुपए एक आम आता है 5 रुपए का, तो कितने आम आएंगे? 100 divided by 4। हाँ, तो तेरे पास टोटल एनर्जी 4 जूल और एक बी से सी जाने में कितनी एनर्जी लॉस हो जाती है? 0.2। कितने चक्कर बी से सी कितनी बार आज जा सकते हैं? तो 20 बार। बस तो 20 लिखा है ना, 20 × BC। हाँ सर, ठीक है ना। इसके बाद बताएं क्वेश्चन 21 से 29। हाँ, कहाँ से कहाँ तक? 21 से 29 चालू। ओके सर, 20 × BC में AB भी काउंट नहीं हो जा रहा क्या बेटा? सर हम 19 × AB कर रहे हैं, उसमें BC भी तो काउंट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अलग अलग लिया है ना। इसके बाद कौन सा? 21 भी बताना है क्या? हाँ सर, बता दो, बता दो, बताओ बताओ सर, बता दो। नहीं, क्योंकि आंसर मैंने चेक नहीं किया है। अगर डाउट देखो, इफ अ मैन ऑफ मास एम जंप्स टू द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट एच एंड हिज सेंटर ऑफ मास मूव्स अ डिस्टेंस एक्स इन द टाइम टेकन बाय हिम टू हिट द ग्राउंड, then the average force acting on him is, average force पूछा हुआ है, average force कितना होगा यहाँ से? तो average force क्या होगा हमारे पास? change in potential energy divided by x, हाँ यही होता है ना, f average equal to minus of माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स या डी आर, या तो एच लिख लो। डेल्टा यू कितना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? एक्स ही लेते हैं इसमें, एक्स है ना सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस डी यू मतलब माइनस ऑफ एम जी एच एच डिवाइडेड बाई एक्स। ये तो आंसर होगा फिर, माइनस तो माइनस क्यों आ रहा? माइनस तो एनर्जी, वो फाइनल एनर्जी जीरो आएगी ना, इनिशियल एनर्जी एम जी एच है। ये ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा प्लस वाला। तो ये माइनस का प्लस कब करना होता है? अरे मेरे लाल चीजें मिले, वो गड़बड़ लिख गया मैंने। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा, जब वो ग्राउंड पे जाएगा तो एनर्जी जीरो। माइनस और क्या है? और ऊपर माइनस, और एक यहाँ पे ये एम जी एच, ये माइनस और यहाँ का माइनस हो जाएगा ना जीरो। अच्छा, प्लस हाँ, हाँ, हाँ। अरे हाँ का और अब 26 तक नहीं 27 तक दोबारा कर से करें, दोबारा होमवर्क दिया जाता है 22 से वापस सॉल्व करते हैं। अरे सर नहीं आता है। बट अरे सर 22 किया है, 23 देखते क्या क्या दे रखा है। पहले मैं सिंपल ढूंढो, सिंपल क्वेश्चन पहले कर लें। ये तो टफ ही है, 22 तो थोड़ा टफ है।
वो कब मंडे को 23 वो भी देख म्यूचुअल इंटरेक्शन गिवन बाय दिस एयर स्पीड ऑफ द अप्रोच एट द इंस्टेंट व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है बेटा करवा सकते हो किया तो भी मतलब ना कंजर्वेशन मैच हो रहा था इसमें एक्चुअली हाँ तो क्या दो पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं ठीक है एक है m1 एक है m2 इनिशियल ये ट्रेस पे हैं 0 0 0 0 दोनों एक दूसरे से डी दूरी पे आ जाते हैं ठीक है म्यूचुअली अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है डी डिस्टेंस पे आ जाते हैं तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल तो फाइनल है ना अब यहाँ पे फोर्स जो है वो वेरिएबल है तो पहले इसका वर्क डन निकाल लो फोर्स का वर्क डन अच्छा ये तो लगेगा ही नहीं सॉरी वेरिएबल फोर्स है इसको तो लगाओ मत देखो वो क्या रहा है जो फोर्स है वो के बाई आर स्क्वायर है आर की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी सेपरेशन कम होता जाएगा तो फोर्स एफ बढ़ता जाएगा लेगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे ना पहले इसका वर्क डन निकाल लो फोर्स का वर्क डन क्या आ रहा है बेसिकली जो फोर्स का वर्क डन है वही किस में कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना काइनेटिक में हाँ सर तो इसका वर्क डन निकाल लो वर्क डन एफ डॉट डी आर इनफाइनाइट से डी डिस्टेंस तक एफ की वैल्यू माइनस ऑफ के बाई आर स्क्वायर इनफाइनाइट से डी तक तो कितना जाएगा ये डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का माइनस माइनस ए डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा माइनस वन बाई आर माइनस के बाय आर माइनस वन बाई आर हो जाएगा तो ये वन बाई डी हो जाएगा तो ये k by d हो जाएगा देखना कहीं गलती ना हो जाए ठीक है ये तो मिला वर्क डन ये तो मिला वर्क डन अच्छा दूसरा ये जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा अब यहाँ पे एक तरीका यूज करते हैं अपन इसको बोलेंगे रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट एक बार मैं करवाया तो इसमें करवाया नहीं 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 करवाया कुछ नहीं करवाया सर ये आएगा अपना एक्चुअली उसमें आएगा ग्रेविटेशन में आएगा रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट इसमें जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी वो हाफ म्यू इनटू वी स्क्वायर लिखी जाएगी दोनों की स्पीड बराबर होगी ठीक है तो दोनों की स्पीड बराबर होगी तो हाफ म्यू इनटू वी स्क्वायर इक्वल टू के बाई डी म्यू है म्यू इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं होता है अबे नहीं होता कौन सा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कौन सा मीडियम है सर रिड्यूस मास बोला जाता है अरे म्यू तो सर फ्रिक्शन का भी इसमें भी है हाँ रिड्यूस मास बोला जाता है अरे तो ये तो आंसर होगा ये तो पता ही नहीं पता पता ही नहीं था अरे ये थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो आगे आ जाता है अब इसका क्वेश्चन वर्क इसमें वर्क के आदि हो गया अब रूट 2 के बाय डी और एम वन से तो गोटा हो गया कोई बात नहीं अलूदा कर दिया इन लोगों ने
सर वो गायब हो गया लिखा हुआ। हाँ वो गायब हो जाता है। अरे ठीक नोट कर लिया वैसे। रवि नोट कर दी। हाँ सर इसमें करना बात इसमें गायब हो जाता है वो। समझ आ गया था ना तेरे को? हाँ सर तो खुद से करो तो। हाँ सर खुद से करो तो भी समझ आ गया था तो उसमें गया है सर। पर वो म्यू लिख दो ना म्यू प्रोडक्ट अपॉन सम मास का प्रोडक्ट अपॉन मास का सम ये आएगा कॉन्सेप्ट। रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट आएगा थोड़ा आगे ग्रेविटेशन वगैरह इसमें भी आएगा मेरे हिसाब से रोटेशन में आ जाना चाहिए। और इसके बाद जो 24 जो क्वेश्चन है वो एंगुलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ा ना अभी अपन ने? नो सर पढ़ा है नहीं पढ़ा अब बोर्ड पे पढ़ा है ऐसे। उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है ना। हाँ वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से होगा इसलिए उसे भी अभी एक बार साइड में रख दो। ठीक है सर। हाँ सर सेम हमने एंगुलर मोमेंटम ऑप्शन नहीं पढ़ा उधर पढ़ा है ऊपर पढ़ा रोटेशन में आएगा रोटेशन अभी तो सेंटर ऑफ मास कोलिजन वो सब पढ़ा। 25 टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ द सेम मास सेम आर मूविंग विद द वेलोसिटीज v1 रेस्पेक्टिवली अलोंग द सेम लाइन दीज बॉडीज कोलाइड परफेक्टली इन इलास्टिक एंड हेड ऑन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज। इसमें एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है एक सेकंड मेरे को भी याद करने तो हाँ सर आपने वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अरे हाँ याद रह गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है एम वन एम टू डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ एम वन प्लस एम टू वी वन माइनस वी वन तो कितना हो जाएगा एम बाई एम स्क्वायर अपॉन टू एम एम स्क्वायर अपॉन टू एम ना एक तो एम बाई टू हो गया एम बाई टू एम बाई फोर आएगा लिख लो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन दैट इज एम वन एम टू अपॉन टू टाइम्स ऑफ एम वन प्लस एम टू इंटू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। बोर्ड में तो करवाया मैंने रे क्यों उदय शेट्टी। हां हां सर अभी देखिए थर्ड टेस्ट में पूछता भी हूं मेरा डेल्टा इसमें q स्क्वायर था v1 v2 नहीं था वो। हां उसमें क्या था मैं आपको बताऊं सर ये तो नहीं था सर एग्जैक्टली यही तो है ये एग्जैक्टली नहीं ये एग्जैक्ट फार्मूला नहीं था सर आपको मुंह को पता है मुझे इसमें ना सर डेल्टा के हाफ एम वन एम टू एम वन प्लस एम टू इनटू यू वन स्क्वायर। अरे तो उसमें एक जीरो है ना बेटा उसमें एक पार्टिकल वेस्ट पे था एक चल रहा था यहाँ दोनों चल रहे हैं। ओह हाँ ठीक है इसमें तो चिपक के चलेंगे ना। हाँ इधर इनलास्टिक परफेक्ट इनलास्टिक चिपक जाएंगे ना। हाँ चिपक के चलेंगे ये अमन चिपक के चलेंगे क्या बात है अमन क्या बात है क्या बात है क्या 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 बोल रहा है चिपक के चलेंगे कैसी बातें बोल रहे तुम। मैं ऐसे बातें नहीं करता असली बातें नहीं करता वही बोल रहा हूँ असली बातें नहीं करते हो तुम। वो तो आप शुरुआत करते हो थोड़ी सी
मैं शुरुआत करता हूँ ना, क्लास का गुंडा तो सबसे बड़ा गुंडा मुझे ऐसी बातें करता है सीधा। सर तो आपने अमन का नहीं लिया था, अंदर वाली बाहर वाली को तो आपने शुरू किया था। अंदर अमन के पास है दोनों, अंदर वाली बाहर वाली, अमन दोनों से सपोर्ट लेता है, फायदे उसके तो अंदर वाली बाहर वाली के, उसमें क्या दिक्कत है, होनी चाहिए अंदर वाली बाहर वाली रिंग, उसमें क्या है। नुकसान दिया उसका पार्थ को, तो पूरा एक्सपीरियंस है पार्थ। पार्थ नहीं सर, क्या कितने हमें कैसे पता किसका एक्सपीरियंस है, हमारी उम्र तो कम है सर आपसे, आपकी तो उम्र बेटा, उम्र क्या मैटर करती है, उम्र का मैटर करती है पार्थ, आपने ज्यादा ट्राई किया होगा ना, हम तो जरूरी थोड़ा है ज्यादा एक वाली जगह ट्राई मारते हैं। ये कौन सा लॉजिक दे रहा है तू, आपके सर गांव वाला, गांव में गया था ना उधर सब बोल रहे थे, तू उसे जानता है ना, नहीं जानता, 10th क्लास में कौन था जो बहुत ज्यादा ट्राई मारता था, कोई तो था, नाम याद नहीं आ रहा मेरे दोस्त का, बहुत ज्यादा चाली नेपाली ट्राई मारता है वो तो भाई साहब, अभी भी अपने जूनियर को सेम क्लास वालों को छोड़ सीनियर पे ट्राई मारता है ना, वो अलग आदमी है, वो आदमी नहीं है, वो मार खाता है, आप पे भी एक बार मारे थे ना, क्या भाई इजान की एक बार देखिए, जब क्वेश्चन करवाते हैं तो इजान चुपचाप बैठता है एकदम, है ना बापल, बोल इजान क्या बोला था तूने, इजान तू भी वो धंधे में नहीं चला गया ना, इजान बस थोड़ी देर बाद के फिर वापस चुप हो जाता है। चलो आगे क्वेश्चन, अब इजान नहीं बोलेगा। 26 मैं जब काम के बारे में बोलता हूं। इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज एनर्जी स्टोर्ड, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड, अच्छा ये इसमें आगे गलती से क्वेश्चन, तो हाफ एफ टू इसको एक तरीके से कर सकते हैं, हां उसमें केक्स की वैल्यू एफ ले सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम शादी रही है, हाफ के एक्स स्क्वायर में देखो, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहां पे वेट कहां पे 200 इज इक्वल टू केएक्स, तो नीचे लगेगा एमजी, ऊपर क्या लगेगा इसमें, ये हो जाएगा टेंशन फोर्स, अच्छा हां नहीं इसमें टेंशन होता है ना, टेंशन क्या है, इसमें अरे ये अपन ने इलास्टिसिटी में नहीं पढ़ा था क्या, ये फॉर्मूला इलास्टिसिटी में पढ़ी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी बोर्ड वाले में तो पढ़ लिया है ना, तो वहां से यूज कर लेते हैं, वो F by A equal to Y into क्या लिखते थे, डेल्टा L by L ऐसे लिखा जाता था ना, हाँ तो डेल्टा L हो जाता था X, तो इसमें नॉर्मल स्प्रिंग वाला लगा सकते हैं ना, इसमें इलास्टिक एनर्जी पूछ रहे हैं बेटा, जितना वर्क स्टोर हुआ है उतनी एनर्जी, देखो मेरी बात सुनो, ये लगा सकते हैं, सुनो मेरी बात, के नहीं है ना तुम्हारा, के कितना है, हमें पता है फोर्स के एक्स होता है, इसमें सब हाफ के एक्स को अलग एक्स को अलग लिख लेते हैं, तो के एक्स को मतलब वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं ना, तो सो हो जाएगा, हाँ हो जाए हो जाए हो जाए, सही है सही है, वो भी सही बोल रहा है, तो भी सही बोल रहा है कि हाफ के एक्स स्क्वायर को के एक्स को अलग से लिख लो और एक्स को अलग से लिख लो, ठीक है, इसके बाद बताएं 27, ये बहुत गंदा क्वेश्चन है,
सॉल्यूशन की देखना ना तो भी कुछ पता नहीं चल रहा। इसमें डिसोसिएशन ये डिसोसिएशन एनर्जी तो मेरे को भी पहली बार ही सुन रहा हूँ। क्या है यू इनफाइनाइट माइनस यू मिनिमम ऐसा दिया है? हाँ वही दिया है। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर द फोर्स बिटवीन द टू एटम एंड देन डायटॉमिक मॉलिक्यूल इज अप्रोक्सीमेटली वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट स्टैंडर्ड एसआई यूनिट एंड एक्सचेंज मीटर। फाइंड द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या दिया भाई? क्योंकि मेरे को इसका मीनिंग पता नहीं है। अगर तुम बोल रहे हो यू इनफाइनाइट माइनस यू मिनिमम दे रखा है सोल्यूशन में तो वो तो निकाला जा सकता है। तो डिसोसिएशन एनर्जी वो निकालनी पड़ेगी तो यू इनफाइनाइट माइनस यू मिनिमम निकालना है ऐसा पहले यू मिनिमम यू मिनिमम निकालने के लिए क्या होना चाहिए? यू मिनिमम कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिलता है ना यू मिनिमम बाय dx स्क्वायर है ना। तो इसका du बाय dx निकालना पड़ेगा पहले। फोर्स जीरो करवा के x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। उस पॉइंट पे पहले यू मिनिमम निकालना पड़ेगा। समझे बात को? हाँ सर। मेरे लाल पीले f इक्वल टू माइनस du बाई dx होता है बेटा। यस सर। हाँ सर। x से जीरो होता है वहां से x की वैल्यू निकाली जाती है। यस सर। फिर x की वैल्यू निकालने के बाद अपन ये चेक करते हैं d2u बाई dx d2u बाई dx पॉजिटिव नेगेटिव तो है। पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते हैं। हाँ। जो पॉजिटिव होता है जिसपे पॉजिटिव होता है क्या हो जाता है? मिनिमा। मिनिम नहीं पॉजिटिव पे मिनिमम। जिसपे नेगेटिव होता है वो क्या हो जाता है? मैक्सिमा हो जाता है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी कि किस पे मिनिमा है। जहाँ पे मिनिमा होगा वहाँ पे एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। हाँ मिनिमम में एनर्जी की वैल्यू पता लग जाएगी। लो इधर से तो हाँ ठीक है इधर से तो x की वैल्यू पता चलेगी ना जहाँ पे फोर्स जीरो होगा। x की वैल्यू पता लगेगी फिर उसको यहाँ पे पुट करोगे और x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? ये तो क्वाड्रेटिक है ना क्या फोर एट बाई ट्वेंटी ऐसा आएगा एट है ना। तो फिर इसमें ना पावर फोर तो कट जाने चाहिए। पावर फोर या पावर थ्री कट जाने चाहिए। कट ही रहेगा ना सर एट इक्वल टू मतलब बहुत सारे वैल्यू तो जीरो आएंगे। न्यूमेरिकल बहुत सारे वैल्यू तो जीरो आएंगे बाकी एक दो वैल्यू बचेंगे उन एक दो वैल्यू भी चेक करना पड़ेगा बस। सर इसमें हम या फिर खाली x की पावर 4 की वैल्यू निकाल लेंगे ना सीधे सीधे। हाँ वो भी कर सकते हैं। x की पावर 4 की वैल्यू निकाल लो सही है। बाद में u मिनिमम निकालने के लिए तो x पुट करना पड़ेगा तो x की पावर 4 भी पुट कर लेना डायरेक्टली। सही है बात। इसे कर लो ये नहीं समझ। अरे बेटा ट्राई कर लो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़े थे ना वहां पे एक बार दोबारा थ्योरी पढ़ना दोबारा। ओके सर मैं ट्राई कर लूंगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन 29 मंडे को पीवाईक्यू और ये बाकी बचे हुए क्वेश्चन है ना। पीवाईक्यू कितने थे टोटल उधर कितने करके आने ऐसा पूछ रहा हूँ टोटल 20 कर लेना उधर से। ओके मेंस मेंस वाले 20 कर लेना ना। हाँ पेड 44 से ना वो पता नहीं मेरे को कितने नंबर पेज पे है। सर WPA के करने हैं कि किसके करने हैं? WPA तो हाँ WPA सर इसमें तो चलो बाय बाय रुको रुको सर डिसोसिएशन एनर्जी क्या है?
डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी वेक्टर वो डिसोसिएशन है। सर इसमें वो पहले जो वन मार्कर है ना सिंगल करेक्ट या मोर देन वन वो 24 है तो वो कर लेना। हाँ 24 कर लेना वो। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। बाय बाय। ठीक है बाय बाय।